चलो शांत रहो, चलो तुम खड़ा हो तो पीछे वाला खड़ा हो जाओ। सुनो तो, पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बार रिपीट कर रहे, देखो तो जो हल्ला करेगा उससे पूछेंगे अभी हम। सुनो, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें मैंने दो पढ़ा है। एक था हमारा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आज सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है उसका, वैसे पढ़े थे मैंने उसको भी वहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम ई प्लस के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऐसा कोई भी एटम या ऐसा कोई परमाणु या स्पीसी जिसपे कैसा चार्ज हो, हमारा प्लस का चार्ज हो, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब क्या होता है, लवर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब ये कहाँ जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस वाला चार्ज है। तब बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ बनता था हमारा, तो मैंने देखा था बेंजीन के रिंग में। कहाँ होता था यह अभिक्रिया, बेंजीन में होता था हमारा, बेंजीन के रिंग में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। कैसे कैसे होता था, मैंने चार पांच एग्जांपल दिया था वहां पे, देखो तो याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल या परसों, तो पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। कैसा था बताओ, वहां पे बेंजीन रिंग कहीं पर तुमको देखने को मिलेगा, अब बेंजीन के साथ ना कुछ टर्म तुमको देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो मैंने पिछले क्लास में लिखा था ऐसे करके, या तो हैलोजन मिलेगा एक्स टू, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन या आयोडीन। कैटलिस्ट क्या रखते हैं हम यहाँ पे, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रखते हैं कैटलिस्ट। ये हमारा उत्प्रेरक बोलते हैं, जो काम रिएक्शन को करवा देता है और ये इन उसमें कंज्यूम नहीं होता है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो ये सब में तुमको लेना है। X2 रहे यहाँ पे, मैंने क्या लिया था सेकेंड कंडीशन बताओ तो, नाइट्रिक एसिड ना, HNO3। साथ में क्या ले सकते बताओ तो, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या ले सकते हैं इसमें बताओ तो, CH3X, या क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम, CH3CO, और क्या था यहाँ पे, X था। कैटलिस्ट क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं सब में ऐसे करके। तब मेरे पास कुल मिला के पांच एग्जांपल इसका हो गया। बेंजीन को जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो, बेंजीन को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, CH3X के साथ, और CH3COX के साथ। तो बताओ कैसा अभिक्रिया होता है, तो सुनो, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता बताओ तो, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अटैक करने के लिए बेंजीन पे जो जाता है, क्या बनता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला बनेगा। तो बताओ X2 केस में मान लो हमारा ये Cl2 है, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा इसमें, इसमें याद है क्या बनता है यहाँ पे, Cl+ बनता है। इसमें क्या बनता है, NO2+ बनता है। इसमें क्या बनता है, SO3H+ बनता है, ये याद रखना तुम। इसमें क्या बनता है, CH3+ बनता है। इसमें क्या बनता है, CH3C OO+ बनता है, ये वाला टर्म। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो बताओ अगर Cl+, ये सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये कहाँ पे जाकर जुड़ेगा हमारा बताओ तो, इस पोजिशन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनता था बताओ तो, यहाँ पे ऐसे करके प्रोडक्ट बनता था ये हमारा, यहाँ पे क्या बनता था, Cl। सेकेंड कंडीशन अगर ये लेते थे, ये लेते थे और साथ में ये कैटलिस्ट लेते थे, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, NO2+, यानी NO जोड़ देंगे, NO2।
प्लस तो नहीं जोड़ते ना, एनओ टू प्लस मतलब अटैक करने के लिए जाएगा तो बॉन्ड बनाता वहां पे, तो एनओ टू जुड़ जाएगा वहां पे, तो ऐसे करके प्रोडक्ट बनता था, है ना। इसको क्या बोलते थे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाया था, चार पांच एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये याद रखना पड़ेगा पांच एग्जाम्पल, ठीक। अब हम क्या बात करेंगे सुनो इसमें, अब इसमें मैंने शायद ये लिखा था पिछले क्लास में, इसमें इसको ए मान के मैंने लिखा था ना, देखो तो कॉपी निकाल के इसको ए बन के, इसको ए बना के मैंने इतना कुछ लिखा था यहाँ पे। आज हम बी कंडीशन का बात करेंगे, ठीक है। सुनो बी कंडीशन क्या होगा हमारा, मेरे पास बेंजीन का रिंग होगा, सुनो देखते रहो क्या कर रहे हैं हम, मेरे पास बेंजीन का रिंग होगा, इसमें सिंपल मेरे पास बेंजीन था। अब क्या करेंगे हम, जब बेंजीन के ऊपर में ना कोई ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मान लो इसके ऊपर मैंने ग्रुप लगा दिया, मान लो इसका नाम क्या है, जी ग्रुप है, ठीक है। अब जी ग्रुप के साथ मान लो दिया रहेगा ऐसे करके एग्जाम में कि मान लो हैलोजन है एक्स टू ये वाला, या तुमको मिलेगा यहां पर नाइट्रिक एसिड है एच एन ओ थ्री, या तुमके तुम्हारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा एच टू एस ओ फोर जो यहाँ पे है, या तुम्हारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे सी एच थ्री एक्स मिले, या तुम्हारे पास क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ एक्स, ठीक है। तो इस बार जो हमारा ए एल सी एल थ्री कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या बनता है हमारा बताओ तो, यहाँ पे मान लो सी एल लिए तो क्या लेंगे सी एल प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे हम एनओ टू प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे हम एस ओ थ्री एच प्लस, ये याद रखो सी एस थ्री प्लस, इसमें क्या लेंगे हम सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, ये ठीक है। अब ये जब ग्रुप लगा हुआ रहेगा ना तब क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो याद रखने वाला होगा। सुनो जब सिंपल था तो प्रोडक्ट बना देते थे, पहले कार्बन पे जुड़ता था यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात तुम याद रखना सुनो, जब ग्रुप लगा हुआ रहे, आए क्या करा रहे, अब यहाँ पे जब ग्रुप लगा हुआ रहेगा ना, ग्रुप दो टाइप का यहाँ पर ना, इसको हम समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो चेंज होगा। एक बात यहाँ पे याद रखो, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको हम ऑर्थो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन में क्या बोलते हैं हम लोग मेटा पोजीशन बोलते हैं, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। तीन नाम याद रखना यहाँ पे, पहले कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन में क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं पैरा, ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है, ठीक है, ओ एम पी ऑर्थो मेटा और पैरा बोलते हैं, ठीक। डंडा लेके आओ तो ऑफिस में होगा, चलो सुनो। तो अब ये जो ग्रुप है ना हमारा, वो ग्रुप दो टाइप का मिलना है यहाँ पे, सुनो सुनो, तो ये जो ग्रुप लगाया है ये बताओ, ये भी हमारा बेंजीन का रिंग है, ये भी कौन अभिक्रिया देगा हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। अब अगर Cl प्लस अटैक करवाना हो तो इस बार तो ग्रुप है, पहले कारण पर तो अटैक नहीं करेगा यहाँ पे, तो जब ग्रुप रहे तो क्या करना है, डंडा है जो डंडा लगा देखो, तो ये समूह ना दो टाइप का हो सकता है, देखो तो ये मेरे पास जो ग्रुप है, ग्रुप को बोलते हैं समूह, कितने टाइप का होगा हमारा, ये दो प्रकार का पढ़ना है यहाँ पे, पहले का नाम है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सक्रिय ग्रुप बोलते हैं, या सक्रिय समूह के नाम से जानते हैं, सक्रिय समूह, आ एक होता है हमारा क्या निष्क्रिय समूह बोलते हैं, क्या बोलते हैं निष्क्रिय समूह, यानी एक सक्रिय समूह होता है, क्या होता है यहाँ पे निष्क्रिय समूह, मतलब समूह को दो टाइप से मैंने डिवाइड कर दिया। आप कैसे समझेंगे कि सक्रिय है कि निष्क्रिय है, तो एक मिनट समझ लो यहाँ पे, देखो तो सक्रिय समूह के लिए कंडीशन क्या है कि मेरे पास कोई भी एयर एटम है, या कोई भी एक मेरे पास परमाणु या कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्या दिख रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। अरे लड़की क्या बात कर रही है,
उसको बोल रहे हो उसको। हाँ क्या बात कर रहे तुम? देखो तो जब इसके पास लोन पेयर होता है क्या बोलते हैं? सक्रिय समूह बोलते हैं। ठीक है, चलो शांत रहो। देखो तो अब बताओ, अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं सक्रिय ग्रुप बोलते हैं। अगर ये ग्रुप तुमको देखने को मिल जाए तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो पे बनता है। चलो सुनो, इसका रीजन हम अगले क्लास में समझाएंगे। आज समझ लो कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बनता है। अगर सक्रिय समूह रहेगा, ऐसा समूह जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सक्रिय समूह बोलते हैं। और ये जब बन, ये मेरे पास अगर ग्रुप बन के आया रहेगा तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो में बनेगा और पैरा पे बनेगा। तो सुनो तो, अगर मेरे पास बेंजीन का रिंग है तब मान लो मेरे पास ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरा पोजिशन। तो देखो दोनों प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी। तो बताओ अगर सीएल प्लस को जुड़वाना हो तो कहाँ जोड़ेंगे हम? एक इस पोजिशन पे ग्रुप रहेगा, ग्रुप नहीं हटेगा, ग्रुप जो का तेव रहेगा। ठीक है, एक यहाँ जुड़ेगा सीएल, एक कहाँ जुड़ेगा हमारा बताओ तो? जी यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और एक कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे? सीएल। यहाँ पे दोनों बनता है, ये भी बनेगा कंटेनर के अंदर में और ये भी बनेगा। तो ये वाला हमारा इंपोर्टेंट होगा कि अगर बेंजीन रिंग हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन या अभिक्रिया अगर देता है तो जब ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बनाएगा। तो याद रखना, सक्रिय समूह रहेगा ऐसा एटम या परमाणु या ऐसा कोई समूह जिसके ऊपर क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो उस कंडीशन में कहाँ प्रोडक्ट बनता है? ऑर्थो पे और पैरा पे बनता है। याद रखना यहां से। एक दूसरा ग्रुप होता है ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन न हो, या एक ऐसे नाम से भी जानते हैं, ऐसा एटम या ग्रुप जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ ना पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। देखो दो कंडीशन यहां पे है। तुम सिंपल ऐसे भी देख सकते हो जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, ठीक, या ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा हो। इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कहने का मतलब विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट। ठीक है, ये पढ़ाए थे तुम लोग 11th क्लास में ही करके, एफ ओ एन पढ़ाए थे ना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन होता है? एफ। उससे ज्यादा क्या होता है? उससे कम क्या होता है? ओ। एन क्या होता है यहाँ पे? सबसे कम होगा। तो कुल मिला कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा, मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड एन ले लिए हम, ये मान लो बेंजीन के रिंग में लगा हुआ। ठीक है, ऐसे करके बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बना ले? 3, 1, 4। क्या कार्बन के पास लोन पेयर होता है? नहीं होगा। ये ग्रुप क्या कहलाएगा हमारा बताओ तो? सक्रिय ग्रुप की निष्क्रिय ग्रुप, निष्क्रिय कहलाएगा। अब वैसे भी समझते हैं, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड से जुड़ा है। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? एफ। उससे कम क्या होता? ओ। और उससे कम क्या है? एन। और जो बाद में एलिमेंट आएगा वो पीछे जाएगा। तो बताओ पीछे इसका मतलब कार्बन आने वाला है, मतलब ज्यादा किसका है? एन का पावर। तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ा है ना पाई बॉन्ड के थ्रू। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा हमारा? निष्क्रिय समूह के नाम से जानते हैं। और याद रखना जब निष्क्रिय समूह यहाँ पर लगा हुआ रहेगा और उसका हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो वो कहाँ प्रोडक्ट बनाता है हमारा? ऑर्थो बन गया, पैरा बन गया, कहाँ बनाता है? मेटा पोजिशन पे बनाता है। याद रखना एक ही पोजिशन बनाता है, कहाँ बनाता है? मेटा पे। तो बस यही बात तुमको याद रखना है। समूह दो टाइप का लगा हुआ रहेगा, सक्रिय निष्क्रिय। सक्रिय समूह है ऐसा आइटम या ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो, वो कहाँ प्रोडक्ट बनाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। अगर असक्रिय या निष्क्रिय समूह लगा हुआ रहेगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटा पे। बस इतना बात याद रहे, काम चल जाएगा तुमको। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन तुमको बोर्ड का भी बनेगा, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन सब आता है। ऐसे करके तुमको ये दे देगा, इसमें से मान लो एक टू ये उठा के दे देगा, ठीक है, ग्रुप लगा देगा यहाँ पे और ये LCl3 रख देगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो तब चेक करेंगे अगले क्लास में, क्वेश्चन करेंगे, तब बैक करके एक बार समझा देते, वही मैंने लिखा है। देखो तो चलो सुनो, समूह कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, एक सक्रिय समूह है, एक क्या है? निष्क्रिय समूह है। हाँ, और सक्रिय भी बोल सकते हैं, निष्क्रिय उल्टा हो गया इसका। ऐसा समूह जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर हो
और वह बेंजीन रिंग को सक्रिय कर देता, मतलब जिसके पास लोन पे, इतना बात समझ लेना। सक्रिय कैसे करता, कैसे प्रोडक्ट बनता, वो हमें अगले क्लास में बताएंगे। अभी मैंने बोला डायरेक्ट याद रखने के लिए, क्या इस समूह के कारण, अगर सक्रिय समूह लगा हुआ रहेगा तो इस समूह के कारण बेंजीन जो होता है और तो और पैरा प्रोडक्ट बनाकर देता है हमको, ठीक है। अगर ये समूह लगा हुआ रहेगा तो बेंजीन कैसा प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो और पैरा देता। ऑर्थो ऑर्थो किसको बोलते, पैरा किसको बोलते, अभी जस्ट बताया। बताओ उस समूह का उदाहरण कुछ दे सकता है, तो ये सब हो सकता है हमारा। देखो तो एल्कोहल हो सकता है, ओ के साथ अगर सी एस थ्री लगा रहा है, क्योंकि ओ के पास क्या होता है, दो लोन पेयर, ये हो सकता है हमारा। एन एच टू हो सकता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। या एन एच आर ग्रुप हो सकता है, एन के साथ आर टू लगा हुआ, एन के पास क्या है, लोन पेयर है। एक्स मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास, तो ये तुमको दिखा नहीं, यहाँ पे लोन पेयर तुमको दिखेगा वहां पे। तो ये हमारा सक्रिय समूह है। कुछ समूह निष्क्रिय होता है हमारा, ऐसा समूह जिसके पास लोन का जोड़ा न हो, ठीक है, लोन का जोड़ा नहीं है इसके पास। इसके पास क्या, ये जो जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन का, इसके पास लोन का जोड़ा है नहीं है। या क्या बोल सकते हैं, जो अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से पाई बॉन्ड के साथ क्या हो, जुड़ा हो। अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व के किससे जुड़ा है, पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो ये दो नाम से जानते हैं, या तो लोन पेयर हो या कुछ, ये कंडीशन होना चाहिए। इस समूह के कारण कहां प्रोडक्ट बनता है, मेटा पोजिशन पे बनता है। तो कुछ ये ग्रुप है, इसका एग्जाम्पल याद रखना। एक तो क्वेश्चन देते, देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये OH लगा हुआ है, प्लस मैंने दिया यहाँ पे, मान लो हाँ हमने दिया यहाँ पे CH3Cl प्लस, यहाँ पे क्या मैंने दिया AlCl3 कैटलिस्ट। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बता सकता है, चेक करो। तो अभी केवल एग्जांपल दे रहे, कल पूरा लिखाएंगे लिस्ट बना के इसमें, बताओ तो इसमें क्या बनेगा, बताओ। AlCl3 को पहचानते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये कैटलिस्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है यहाँ पे, सी एस थ्री प्लस, और क्या बनाता है यहाँ पे, ये Cl माइनस। बगल में मेरे पास बेंजीन का रिंग है, बताओ इसके पास क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, समूह लगा हुआ है, बताओ ये समूह कैसा समूह है हमारा। OH लगा हुआ है, सक्रिय, देखो दिखेगा नहीं तुमको, अपना लोन पेयर सोचना। ऑक्सीजन लगा हुआ रहता तो क्या रहता है, उसके पास लोन पेयर रहता है, ठीक। तो बताओ ये सक्रिय है, तो बताओ इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा हमारा, दो बनेगा। कैसे कैसे बनेगा सुनो, एक तो बेंजीन यहां बना लेना तुम, ठीक है, बीच में क्या देना, प्लस का साइन, एक और बेंजीन बना देना यहाँ पर तुम, ठीक है। ये ग्रुप को हटाना नहीं, ग्रुप का ज्यो का त्यो OH, इधर भी ग्रुप ज्यो का त्यो लगा देंगे हम। सी एस थ्री प्लस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, देखो तो ऑर्थो पे और पैरा पे, तो एक बार जुड़ेगा यहाँ पे सी एस थ्री, एक बार कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे सी एस थ्री, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। कुछ ज्यादा बनता है, कोई कम बनेगा, ये हम कंडीशन आगे देखेंगे हम, कि ये मान लो 60% बनेगा कि ये 40% बनेगा, ये कंडीशन हम आगे देखेंगे। लेकिन कंटेनर के अंदर में दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या लोन पेयर दिखा दो ना यहाँ पे, वो क्वेश्चन में नहीं देगा, वो तुमको सोचना पड़ेगा, ग्रुप देख कर बताना पड़ेगा। क्या, हाँ पोजिशन फिक्स है, इसके इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं इसको ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, इसके रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। इधर से चेक करो या इधर से चेक करो, कदी हाँ एकरा आ? इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हाँ तुम अगर इस, लेकिन ये पोजीशन पता होना चाहिए, ये पहला के रिस्पेक्ट में होता है, ये ऐसे अगर ग्रुप तुमको यहां पर लगेगा दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ तो समझ लो इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अगले क्लास में हम ना इसको और बढ़िया समझेंगे, एक बार और बताएंगे हम, तो ये नहीं लिखाएंगे, अभी नहीं लिखो इसको, अगले क्लास में लिखाएंगे तो क्या दिक्कत है। चलो इसको नोट कर लो।